टाइल में आप लोगों ने कहा था कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटे, देन अकॉर्डिंगली हमने उस केस में बेटे ये बात कर रखी है ऑलरेडी दैट आपका हॉरिजॉन्टल रेंज देन Let us proceed with you again. ये आपके पास बेटे ये था कुछ इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी u था, आपको दोनों को दिख रहा है जैसे तो इस तरफ आए विंडो के पास आ जाओ बेटा अच्छा रहेगा और then बेटे after that we were saying that let this angle be theta बेटा और आपका जो projectile है it is having this type of parabolic path prescribed बेटा एंड फर्दर मोर आप लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की बात की थी बेटा एच मैक्सिमम आप लोगों ने निकाल लिया था एंड हेयर आप लोगों ने रेंज निकाला था अपने प्रोजेक्टाइल का बेटा एंड देन आपने टाइम ऑफ लाइफ के बारे में भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था. नाउ बेटे हमारा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो कंसेप्ट हमारा करने वाला लास्ट मोमेंट पे रह गया था. इमेजिन कर लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका जो प्रोजेक्टाइल है इट इज एट पॉइंट पी ऑन इट्स ट्रैजेक्टरी बेटा. हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे बेटा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बेटा, किसी भी टाइम पे आप अपने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इट इज ऑल रिगार्डिंग दैट बेटा. आप पी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इट विल गिव यू द वेलोसिटी वी एज सच एंड फर्दर मोर बेटा आपका जो मंजोत पुत्र अपना माइक बंद करिएगा, मंजोत मंजोत रोल नंबर 16 बेटे, ये आपका बेटे वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है. मैं ये चीज बेटे अज्यूम कर लेता हूं कि ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका फर्दर मोर जो रिजल्ट माइक सारे ऑफ है फिर भी आवाज आई जा रही है. अमन नाइन्थ ए कौन है यहाँ पे आ गया, ये नाइन्थ ए और बी बीच में नाइन्थ वाले आ गए, आपको पता नहीं कि शायद की दिल का अपना नाउ इट्स ओके. और बेटे ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है आपके वेलोसिटी का एंड वी मे बी कॉलिंग दिस एज वी वाई बेटा, ठीक है जी. और आप अज्यूम कर लीजिए आपका ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस वी एक्स कंपोनेंट बेटे. आपको वी एक्स भी नहीं पता, आपको वी वाई भी नहीं पता. इन दोनों को निकालने के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया जा सकता है अलोंग द एक्स एक्सिस बेटा. वी एक्स जो होगा ये यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी कर लेंगे और आपका ये इसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल इट वॉज बेटे यू कॉस थीटा और इट वॉज यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट बेटे. ए एक्स आपका जीरो है देन इट विल बी यू कॉस थीटा आपका बी एक्स बेटे इसके बराबर आपको मिल जाएगा. देन वंस वी गेट दिस वी एक्स बेटे कैलकुलेटेड आपको वाई एक्सिस के अलोंग भी इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए. अलोंग वाई एक्सिस आपका जो वी वाई है इट विल बी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी बेटा. वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस बेटे आपका जो है रिक्वायर्ड है, वी वाई आपका रिक्वायर्ड है. यू वाई इज यू साइन थीटा दिस इज देयर यू हैव कैलकुलेटेड. जब आपका प्रोजेक्टाइल बेटे अपवर्ड जर्नी के लिए मूव कर रहा है तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ए वाई को आप बेटा माइनस जी लिख सकते हो और टी
आपका टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट नहीं है या टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट नहीं, इट इज सिंपली एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बेटा। सो वी वाई आपके पास बन गया u साइन थीटा माइनस जी टी बेटी। ये दो वेक्टर्स आपने कंपोनेंट्स वेक्टर्स के निकाल लिए और आप v जो है इसको a स्क्वायर b स्क्वायर टू ए बी एंड कॉस 90 करके निकाल लोगे दिस वे बेटा। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास बेटे क्या बन गई, फिर बी एक्स आपके पास था u cos थीटा, इसका बेटे कंप्लीट स्क्वायर, बी वाई यू हैव कैलकुलेटेड u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ये cos 90 बेटे ये दोनों टर्म्स को जीरो कर देगा और हम इसको छोड़ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा ट्रायंगल लॉ लगा लो, पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा होता है ना बेटा, तो ये दोनों ही देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, दैट इज वाई 90 बेटे। और ये वी फिर आपके पास बन गया यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड आफ्टर दैट माइनस टू यू जी टी एंड बेटे साइन थीटा। जरा चेक करिएगा बेटा कोई टर्म हमारी मिस तो नहीं हुई पुत्र। इनको बच्चों देखो आप कंबाइन कर सकते हो, ये दो टर्म्स जो आपकी हैं और आपके पास रिजल्ट भी है चिल्ड्रन बन जाएगा जी यू स्क्वायर, इनको दोनों को बेटे हमने क्लब कर लिया है ना बेटे, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा यूनिटी दे देगा प्लस बेटा जी स्क्वायर टी स्क्वायर ये एस एच रह गया जी माइनस टू यू जी टी साइन थीटा बेटे आपको मिल गया। ये चीज आपके पास बेटे रिजल्टेंट वेलोसिटी लेके आ रही है। और इस केस में बेटे और देख लीजिएगा थोड़ा सा, जब तक आप अपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं बताते तब तक आपका ये डिस्कशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो रिजल्टेंट की बेटे डायरेक्शन के लिए आपको इसको थीटा नहीं लिखता, मैं बीटा लिख देता हूँ, नहीं तो फिर ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, आपको बीटा चाहिए होगा बेटा। सो बीटा के लिए लेट मी सॉल्व इट ऑन दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। यहां से बेटे मैंने परपेंडिकुलर बच्चों ड्रॉ किया, देखिए ध्यान से, ये छोटी वाली ट्रायंगल जो आप देख रहे हो इसमें अगर मैं टेन बीटा बेटा निकाल लूं, टेन बीटा इट विल बी दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड बेटा, और ये साइड आपका देख लीजिए वी वाई के बराबर है, ये आपका वी एक्स के बराबर है। सो इट विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स बेटा एंड टेन बीटा, वी वाई आपका कितना था बेटे आपने निकाला, ये देखिए दिस इज यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई बेटे यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से बेटे डियर चिल्ड्रन आप अपना टेन बीटा निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिएगा बेटे, कोई डाउट कोई आपको पॉइंट आपका रह ना जाए, अगर है तो बता दीजिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जैकलिन सहज नमन एंड इधर सारे स्टूडेंट्स जो भी बैठे हैं बेटा, राइट फ्रॉम हरनूर ख्याति मनजोत निधि अर्शप्रीत राघव रमन दिलजीत देवनूर गुरसिमरन हरमन एंड दिया इश्नूर मिताली हरनूर अंजलि नहीं आज कहीं दिख रही, ओके ठीक है जी चलें पुत्र फिर आगे। इसके बाद बच्चों हमारा ना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। शायद अगर हम आपको याद होगा अगर तो आप मेरे पास से नाइन्थ में जरूर किया होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता। नमन है कुछ याद, कोई बात नहीं बेटा, हेडिंग लिख लीजिए पुत्र जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सारे स्टूडेंट्स बेटा, फिर हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा है और हम बेटे कैसे डील कर सकते हैं इसके साथ। आइए कंसंट्रेट करके देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब आप बेटे नाइन्थ स्टैंडर्ड में होते हैं ना
ये वाला टॉपिक मैं जरूर करवाता हूँ ताकि आपको इस टाइम पे थोड़ी आसानी रहे। सो आई डोंट नो, मुझे भी नहीं याद किया कि नहीं किया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटे हम ये एक सर्कुलर ट्रैक इमेजिन कर लेते हैं, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है बेटा, इसका ट्रैक का सेंटर मान लीजिए ये वाला है सर्कुलर ट्रैक का, और आपके सर्कुलर ट्रैक का ये बेटा रेडियस आर है, और ए पॉइंट से आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है। कहा जाता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। ऐसा बेटे क्यों कहा जाता है? जब भी आप बेटे एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन कहते हो। अब यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि मोशन आपका यूनिफॉर्म है, फिर एक्सेलरेटेड कैसे हुआ? उसके लिए आप बेटे किसी भी पॉइंट पे चले जाइए अलोंग द सर्कुलर ट्रैक। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ये वाली रहेगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका बदल गया बेटा। आई मीन टू से दैट आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नो डाउट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म कह रहे हो आप, राइट? लेकिन हरेक पॉइंट पे डायरेक्शन बेटी कंटिन्यूसली बदल गई है, और जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन आती है। सो दैट इज वाई बेटा वी विल से दैट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आ गई बात बेटे सारे स्टूडेंट्स को? यस बेटा, चले आगे। अब इमेजिन कर लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से जो स्टार्ट हुआ था ये मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पर ये टी टाइम में पहुंचा, और बी पॉइंट से मैंने एक ये लाइन ओ पॉइंट तक ड्रॉ कर दी, और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बन गया जी थीटा। ए आपके ऑब्जेक्ट का बेटे स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन बेटा हो गई, और बी बेटे जैकलिन क्या हुआ? फाइनल पोजीशन हो गई बेटे, राइट? तो डियर चिल्ड्रन, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? सबसे पहले बेटे हम बात किया करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटे हम थीटा से डिनोट करते हैं। कुछ याद है थोड़ा सा बेटे पुत्र, बताइए। वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। थीटा आपका होता है जी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। आपका सर्कुलर ट्रैक हो या कोई भी कर्व पाथ हो या सिंपली कोई कर्व ले लो आप, तो आपका एंगल थीटा जो होता है इट इज विद द लेंथ ऑफ द आर्क, शायद आप ऐसे लिखा करते, ठीक है, डिवाइडेड बाय द रेडियस बेटा। तो थीटा डियर चिल्ड्रन कितना आ गया जी, ए बी आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। अच्छा सहज, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके डिग्री और रेडियंस, बिल्कुल ठीक। एंगल को आप डिग्री में भी वेरी कर सकते हो, रेडियन में भी, दोनों में कर सकते हो बेटे, वेरी नाइस। इसको बेटे थोड़ा डिफाइन भी कर ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बेटे। समझ आ गई ना बात बेटे? सो इस तरीके से आप बीच में नाइन्थ वाले बच्चे क्यों आ रहे हैं? सो इन दिस वे बेटे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहां पे आप जरूर मेंशन करिएगा कि एंगल को आप बेटे डिग्री में या रेडियन में मेजर कर सकते हो। पुत्र डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप आपको पता है ना? नमन बताइए,
डिग्री और एडीएम में क्या रिलेशनशिप है? सहज पाई बाई 180 रेडियन। ठीक ठीक बेटे, आप ठीक कह रहे हो, फिर भी एक मिनट में लगा देता हूं, ठीक है, कोई आपको डाउट रहेगा नहीं। एंगल की आप बात कर रहे थे, इट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आपने बोला है। जरा डायग्राम पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। डायग्राम में आपका ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, ये पूरा चक्कर काट के वापस ए पे आ गया, सर्कुलर ट्रैक इसने पूरा ही कवर कर लिया। इसका मतलब है एंगल आपका ये देखिए, ये एंगल बन गया जी 360 डिग्री का बन गया एंगल, है ना। तो एंगल आपका बेटा जो है थीटा पूरे सर्कुलर ट्रैक में 360 डिग्री का बना। एंगल आपका अगर रेडियन में निकाल लें, एंगल आपने बोला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो जब आपका ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होगा वापस ए पे आ जाएगा, तो आर्क का लेंथ कितना हुआ? 2 पाई आर, वेरी नाइस, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर कर लें जी, ये कट गया आपका आर, तो वी मे राइट दैट 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हुआ, एंड पाई रेडियन 180 डिग्री, एंड 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री। मैं वैल्यूज अगर पुट कर दूं बच्चों, आइए देखें व्हाट वी विल बी गेटिंग। हमारे पास 1 रेडियन जो है पाई आपका 180, 22/7 ऐसे कर लेंगे डिग्रीज, ये देखो ये आ गया, लगभग इतना आ गया ना, थोड़ा और आगे कर लेते हैं इसको, 57.4 डिग्री अब ना, ये भी चेक करिएगा। तो याद रखिए 1 रेडियन आपका जो है ये बेटे 57.4 डिग्रीज के बराबर आपका होता है, तो ये कन्वर्शन में कभी कभी हमें जरूरत पड़ भी सकती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, राइट बेटा। इसके बाद देखें चले आगे, इसके बाद बेटे मेरे पास आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। बेटा लेट अस कंसंट्रेट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी बेटे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से भी डिनोट किया करते हो, और एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है इस एंगुलर वेलोसिटी को बेटे हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज बेटा डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, दिस इज देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा डिवाइडेड बाई बेटे टाइम टेकन। सो डियर स्टूडेंट्स ओमेगा बन गया जी आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा था, इट इज टी बेटा। तो अगर आप देखो ध्यान से, इसके यूनिट्स आपके बन जाएंगे जी रेडियन पर सेकेंड, या डिग्री पर सेकेंड में भी आप निकाल सकते हो, एक ही बात है। तो इस हिसाब से आपने बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालना, और एंगुलर वेलोसिटी आपका एक्सियल वेक्टर होता है बेटे, जैसे आपको पहले बताया भी था, जैसे आपका सीलिंग फैन चल रहा है, अगर आपका फैन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट विल बी एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, तो वो रॉड की तरफ एक्ट करेगा, राइट। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बेटा हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज रेट
of change of angular velocity. और बेटा डियर चिल्ड्रन अल्फा आपका फिर क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये बन जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके बेटे यूनिट्स बन जाएंगे. यहाँ पे बेटे कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन बन जाता है, आपको वो कह देते हैं कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप बताइए, वी और ओमेगा कैसे रिलेटेड है. आई होप आपको थोड़ा याद भी होगा, मैं इसको दोबारा एक बार रिलेशनशिप को बेटा निकाल देता हूँ कि आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी वी, ये बेटे कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा बेटा. हेडिंग आप लिख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ओमेगा. बेटा करेंगे डिस्कस बेटा. हाँ जी बेटे, इधर हरनूर, ख्याति, मंजोत, परशीम, राघव, रमन, दिलजीत, देवनूर, गुरसिमरन, हरमन, ओके ऑल वेल, ठीक है बेटा. कैसे रिलेट कर सकते हैं बेटा, ये कंसेंट्रेट करें, इमेजिन कर लीजिए ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वंस अगेन अलोंग द सर्कुलर ट्रैक एंड लेट इट बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और आपका यहाँ पे ये रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का स्मॉल आर, विद दिस पॉइंट एज ओ पॉइंट, लेट इट बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेट इट बी द टर्मिनेटिंग पॉइंट मार्क्ड एज पॉइंट बी. ए से लेकर बी तक आपके ऑब्जेक्ट ने बेटे जो डिस्टेंस कवर किया है लेट इट बी इक्वल टू द एस डिस्टेंस कवर्ड, एंड फर्दर मोर ए से लेकर बी तक आपके ऑब्जेक्ट को टी सेकेंड्स के बराबर का टाइम लग गया, एंड ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, राइट. यहां पे आप बड़े अच्छे से जानते हो कि ओमेगा आपका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है बेटा, ये किया है हमने अभी अभी इससे पहले, है ना. और ये भी आप अच्छे से जानते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा, ये बेटे आपका आर्क लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, ये भी आप अभी अभी बात कर रहे थे वो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है पुत्र. हाँ जी बेटे, जैकलिन, सहज, नमन और इधर वाले बच्चे सारे सारा ठीक है. अच्छा देखिए, ए बी आपका एस के बराबर हमने कहा है, ये डिस्टेंस आर्क की लेंथ का, ये एस अपॉन आर आ गया पुत्र, राइट. अगर पुत्र जी ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे कर दूं तो आपको कैसे लगेगा, थीटा पुट कर दूं, दिखना चाहिए करके कुछ मिलेगा ही नई चीज. ओमेगा विल बी इक्वल टू एस अपॉन दिस इज योर आर एंड टी बेटा, ठीक. अच्छा बच्चों एक और चीज देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, एक ही बात है, लिखा जा सकता है ना. और ये एस अपॉन टी कहीं देखा देखा नहीं लगता आपको, व्हाट इज इट, स्पीड, वेरी राइट. सो ओमेगा आपके पास आ गया वन अपॉन आर इंटू वी कर ले, या वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, राइट बेटा. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक आपको मिल जाता है. दिस इज ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट बेटे. चेक करिएगा कोई बात है करने वाली तो बताओ मुझे, वी विल डिस्कस दैट. छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं लेकिन इनकी बेटे वैल्यू बहुत है, राइट जी. अच्छा ये भी सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जामिनर आपको इसके साथ रिलेटेड. एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि एक आपके पास क्लॉक है, वॉल क्लॉक जैसे लगा होता है, उसकी जो मिनट्स वाली नीडल है या सेकंड्स वाली, वो सबसे लंबी वही होती है साइज में, आवर्स वाली छोटी होती है, मिनट्स वाली उससे बड़ी, सेकंड्स वाली उससे भी बड़ी होती है, लेकिन जो छोटी थिन होती है वो, उनमें से कोई भी नीडल आपको कह सकते हैं कि ये नीडल है
उस नीडल का लेंथ इतना है, 2, 4, 5, 6 या 10 सेंटीमीटर कुछ भी है, वो आपके क्लॉक में ऐसे घूम रही है, ठीक है। आप उसकी ये वी निकाल दीजिए, ओमेगा तो आप निकाल ही लोगे ना, कैसे निकालेंगे ना मन ओमेगा, थीटा बाई टी। अगर हमने मिनट सेकंड का ओमेगा निकालना होगा तो कितना आएगा, मिनट सेकंड के लिए ओमेगा कितना होगा बच्चों, थीटा कितना आएगा रेडियन में अगर निकालना हो, इनटू तो मैं सीधा ही ऐसे कर दू ना, 2π/T नहीं कर सकता मैं, है ना, तो 2π टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट्स, ये सेकंड्स बन गए, बिल्कुल ठीक। ये ओमेगा मिनट सेकंड का बन गया पाई बाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है जी। ऐसे ही आपने बाकी केसेस से भी निकाल लिया, हाँ हाँ वो कर सकते हो आप, वो तो करना ही पड़ेगा, ये तो वैसे बताया ही है ना आपको, जब आप न्यूमेरिकल करोगे आप जरूर कर ले, ठीक है जी। पाई की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी हमें, चले आगे। अब बिफोर आई स्विच ओवर टू द न्यू यूनिट बेटा, मैं थोड़ा सा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाहता था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और हमें कैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ डील करना पड़ जाता है कई बार। ये आपका बेटे मान लीजिए अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा, डियर चिल्ड्रन इमेजिन कर लीजिए ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ये रेडियस, और आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आपका ऑब्जेक्ट ए पे है किसी इंस्टेंट पे, मूव करते करते ए पे आ गया, तो इसकी सेंटर की तरफ जितनी एक्सेलरेशन होगी दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। और बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, याद रखिएगा हमेशा। आप लोग कई बार ये एक्सप्रेशन भी यूज कर चुके हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पता है ना आपको बेटा जैकलीन, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे कितना होता है, एफ सेंट्रीपिटल हमारा होता है एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, हमने कहीं देखा सोचा पढ़ा होगा ना। आप इसको एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए से कंपेयर कर दीजिए, इन दोनों की राइट साइड को कंपेयर करोगे तो एक्सेलरेशन आपका ऑब्वियसली बी स्केयर बाई आर बन गया, तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और डियर चिल्ड्रन एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, वो इस तरीके से होता है। और आपका फिर एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट इधर की इधर आ जाएगा। तो ये बात अपने थोड़े से माइंड में रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एक, एक बेटे टेंजेंशियल, ये तो चलिए सेंट्रीपिटल ये आपका, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, तो ये थोड़ा सा आइडिया अपने माइंड में जरूर रखिएगा। तो आई डोंट नो कि ये प्रेजेंटली सिलेबस में मैंने रखा है कि नहीं रखा, एक बार चेक जरूर कर लेना आप जाकर, अदरवाइज चलो हमने तो बात कर ही है इनके बारे में। सो बेटे विद दिस ऑल हमारा सेकेंड यूनिट जो है थ्योरी पार्ट, इट स्टैंड्स विद बी कंप्लीटेड।
तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से हम फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा छोटा सा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, कल फिर यहाँ तो एक न्यूमेरिकल कर लें इसके, यहाँ फिर वो स्टार्ट कर लें, आप जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे। राइट बेटा, आप कुछ इसके साथ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखना, कोई आपका पॉइंट होगा तो वो मुझे बता देना, फिर अकॉर्डिंगली वी विल डील विद इट। राइट बेटा, सो टाइम तो चलो अब हो गया है, नया चैप्टर का नाम लिख लें, याद रह जाएगा कहाँ पे थे हम, है ना, रहने देते हैं, कल करेंगे। थैंक यू बेटा।